हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में, मैं हूं तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरीब स्वर्ण को आरक्षण प्रदान करने की मोदी सरकार की परवान चढ़ती कवायद के उपरांत बिहार में हर तरफ खुशी का माहौल कायम हो गया है। हर तरफ स्वर्ण समाज में होली मनाई जा रही है। खासकर मोकामा बढ़ैया में तो इस समाज के लोगों ने विजय जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के तत्वाधान में मोकामा बढ़ैया में बड़ी संख्या में विजय जुलूस निकाला गया। मोकामा प्रखंड के हथीदह अवस्थित तारा देवी उच्च विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हो गया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, लोजपा नेता कन्हैया सिंह और राकेश कुमार ने इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर विजेता टीम को ट्रॉफी भी प्रदान की गई, साथ ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी सुमांत कुमार सिंह गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुमांत कुमार सिंह, धर्मा यादव और कोलकाता का रहने वाला बलराम साहनी अन्य तीन को पुलिस ने मार गिराया। एसपी अवकाश कुमार को सूचना मिली थी कि चिड़ैया बरियारपुर थाना के मेहदा गांव के बगीचे में कुख्यात सुमंता हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने जुटा है। इस सूचना पर एसपी अवकाश कुमार, एएसपी अमृतेश कुमार, एसपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने बगीचे की घेराबंदी की। इस दौरान अपराधियों ने घिरते देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें तीनों अपराधियों की मौत हो गई। बताया था तीन अपराधियों को गोली लगी थी और उनको यहाँ लोकल पीएचसी में भेजा गया था। वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कितने देर मुठभेड़ चली थी इसमें? करीब सवा घंटा, घंटा सवा घंटा। बड़ी हथियार की भी सूचना मिली है अपराधियों के पास? मैंने पहले भी बताया था, वहाँ से एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और जिंदा गोलियाँ कुछ बरामद हुई हैं। वो काउंटिंग नहीं हुई है अभी, तो यही हथियार वहाँ से बरामद हुई। एक सुमंता है, एक धर्मन यादव है और एक बलराम साहनी है। तीनों की पहचान हो गई है। सुमंता पे पूर्व में अभी तक आधा दर्जन केसेस हम लोग के पास मिले हैं, डकैती के क्रम में हत्या, लूट और हत्या रंगदारी के। धर्मन यादव पे अभी तक दो दर्जन केसेस हम लोग को मिल चुके हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। और बलराम साहनी पे एक केस अभी नीमा चांदपुरा का प्रकाश में आया है, जो अपहरण करके हत्या कर देने की उसमें बात आई थी, और भी हम लोग उसको खंगाल रहे हैं अपराधी की तरह। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड क्षेत्र के सिंहेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय में योग्य शिक्षक व समाज सेवी के द्वारा छात्र प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न विद्यार्थियों के छठे व दसवीं कक्षा के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं छात्र प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2019 के विजेता को दूसरे दिन मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
बिहार के वैशाली में नक्सलियों द्वारा अगवा दो किसानों में से एक का शव बरामद हुआ है। दूसरे किसान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वैशाली के जंदाहा में बीते 27 दिसंबर की रात नक्सलियों ने एक व्यवसायी के घर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और जाते जाते दो किसानों को अगवा कर साथ ले गए थे। नक्सली वारदात और किसानों के अगवा होने के बाद 15 दिनों तक पुलिस और SSB जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अगवा किसान की खबर नहीं लगी। शनिवार की देर शाम बरेला झील में अगवा किसान रमेश झा का शव खेत में दबा मिला। दूसरे किसान का पता अभी नहीं चल पाया है। इलाके में नक्सली का दबदबा है और इस घटना के बाद पुलिस ने लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में पुलिस के अलावे SSB की तैनाती है, लेकिन नक्सलियों के दबदबे और इस बेखौफ वारदात के बाद इलाके में खौफ का आलम है। महज 2 लाख रुपए के लिए दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर एक कुएं में डालकर घर से फरार हो गए। मामला पटना से सटे नौबतपुर थाने के भागीरथ टोला गांव का है, जहां 8 माह पहले ब्याही गई एक नव विवाहिता नेहा कुमारी को उसके ससुराल वालों ने पैसे के लिए मौत के घाट उतार दिया और इसकी भनक गांव वालों को हुई तो पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव को गांव के बाहर एक कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या कैसे हुई है उसका पता नहीं चल पाया है। हुआ है कि एक पहले तो ठीक रखा हाल, अब की गेल है तो एक महीना के बाद से हनबन पैसा मांगे लगल कि हम बिजनेस कर ला पटना दुकान खोल बीटा आ रहल कल कुछ बीटो सुन ली। फिर कहल कि ना वो पैसा उड़ा दिया लपुआ था पियांक में थी में। फिर मांगला था कि 2 लाख रुपया दो तो माने ना तो रखेंगे ना तो ले जाओ बच्ची के। अपने भाई के साथ साइकिल से पढ़ने जा रही छात्रा को ट्रक ने रौंद डाला। इस दौरान 15 वर्षीय मधु कुमारी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि उसके साथ साइकिल पर बैठा उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। मृतक रानी तालाब थाने के रघुनाथपुर निवासी शारदा प्रसाद की बेटी थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना औरंगाबाद सड़क के रानी तालाब थाने के पास जाम कर प्रदर्शन किया। डिमांड है कि मुख्यमंत्री आके देखे और थाना को निर्देश देवल जाए। थाना रक्षक कम रक्षक ज्यादा है। ये जो पढ़ने जा रही थी उसी दौरान हुआ है। अच्छा जी, मेरी बहन है और मेरा भाई भी साथ में था, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हाईटेक में रेफर। अच्छा सर, यहाँ स्पॉट पे थाना के नौटंकी करके रखे हुए है कि हमको 10 मिनट के अंदर जाना है। बताइए किस लिए यहाँ पे सब ये सब चीज हो रहा है 10-10 रुपया तहसीलने के चक्कर में सर। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।